सॉलिड स्टेट, ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि सॉलिड होता है कितने तरीके का, दो तरीके का, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। पीछे हम ये सब चीज पढ़ा चुके हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। डिटेल में हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जितने भी होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो देखिए, ये एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि एक परफेक्ट ऑर्डर में है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता कैसे है, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये इस चीज का फॉर्मेशन करवाना होगा, तो ये इसके बहुत सारी ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, होना भी चाहिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी आपका हो सकता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होगा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। परफेक्ट ऑर्डर में अरेंजमेंट हो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि टेम्परेचर होना चाहिए 0 केल्विन और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज करे वो वेरी स्लो रेट से करना चाहिए। हाई रेट से करेगा तो ये इसका अरेंजमेंट परफेक्टली ऑर्डर में नहीं होगा, इसका अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो परफेक्टली ऑर्डर में है, परफेक्ट इसका ऑर्डर है, कहीं से कुछ भी मिसिंग नहीं है, यानी ये हम कहेंगे कि ये परफेक्ट है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो अब अगेन आ जाइए कि जब परफेक्ट है, परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए था, कंडीशन चाहिए था हमारे पास कि टेम्परेचर होना चाहिए था 0 केल्विन, स्लो रेट से इसको क्रिस्टलाइज करना चाहिए था। लेकिन कितना भी कोशिश करिए आप 0 केल्विन के टेम्परेचर को आप मेंटेन नहीं कर सकते। इस वजह से जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें उसके अरेंजमेंट में कुछ न कुछ डिफेक्ट्स होता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि आपका 20 नंबर के पेज पे आपको पढ़ना है, जहां से हमें, लेकिन कोरोना के वजह से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि परफेक्टली अरेंज्ड है। अभी आप लोगों ने पढ़ लिया कि इसका परफेक्ट अरेंजमेंट है, तो वो क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों ने दिया कितना, 0 केल्विन, और वेरी स्लो रेट से इसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जिस वजह से ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन यहां हो पाया है। लेकिन किसी वजह से इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिपार्चर का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाना। तो एनी डिपार्चर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड इम्परफेक्शन, और उसको हम कहेंगे डिफेक्ट। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, जैसे ही इम्परफेक्शन किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा तब उसमें एक नए तरीके का कैरेक्टर डेवलप कर जाएगा, नए तरीके का प्रॉपर्टीज आ जाएगा। ड्यू टू इम्परफेक्शन सॉलिड इम्पार्ट न्यू प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब आप सबसे पहले आप पेज नंबर 20 आप निकाल लीजिए, अपने अपने पास होगा तो देखिएगा। देखिए आप यहां हेडिंग है हमारे पास कौन सा, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। हेडिंग समझ गए,
अब टॉपिक भी आपको ये अब आपको कंटेंट भी सब समझ में आ जाएगा। एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट, अब ये एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। यहां से देखिए कि ये जो एक पार्टिकल्स है ये क्या हो गया है, इसमें मिस्ट हो गया है, डिपार्ट कर गया है, कहीं ना कहीं चला गया है। और कहां से डिपार्ट किया है, यहां से एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो जाकर के डिपार्ट हो गया, निकल गया है कहीं। तब तो ये परफेक्ट रहा नहीं, अब ये एक डिफेक्ट हो गया किस चीज में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। फिर डिफेक्ट केवल इसी तरीके का नहीं हो सकता, और भी एक तरीका है। ये हो सकता है कि पूरा का पूरा ये जो एक कंप्लीट एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पूरा लाइन यही इस जगह से डिपार्ट कर जाए, तो रिजल्ट हमारे पास मिला ही है। ये देखिए पूरा का पूरा लाइन यहां से डिपार्ट कर गया है, तो ये भी कहलाएगा एक तरीके का डिफेक्ट, डिपार्चर हुआ। तो ये किसी खास पॉइंट से हुआ है तो ये कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट, और इसमें पूरा का पूरा एक लाइन ही डिपार्ट कर गया है तो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। तो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो तरीके का डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो अब हम समझने का कोशिश करेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स। दोनों अभी हम बता चुके हैं लेकिन अपने नोट्स एक बार आप मिला लीजिए। एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड के कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का यदि डिपार्चर हो जाता है किसी क्रिस्टल से इन क्रिस्टल, तो ऐसे डिपार्चर होने के कारण इसमें एक डिफेक्ट आएगा। इसी डिफेक्ट को हम बोलेंगे क्या, इम्परफेक्शन, और हम सीधे सीधे बोलेंगे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये होता है दो तरीके का, पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट, किसी खास पॉइंट पे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिपार्ट करें, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को समझाने के लिए यहां भी एक हम डायग्राम है आपके नोट्स में, देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस कॉर्नर पे यहां सब जगह पे ऐसे ऐसे अरेंज है, यहां पे अरेंज नहीं है, यहां से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिपार्ट कर गया है, यहां से भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिपार्ट कर गया है। यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां होता तब हम कहते कि ये क्या है, एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सबस्टांस है या सॉलिड है, लेकिन इसके दो पॉइंट से यहां निकल गया तो ये कहलाया पॉइंट डिफेक्ट। डेफिनेशन इसका देखिए कि व्हेन द डिविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, पहले यहां डिविएशन नहीं होता तो ये आइडियल कहलाता, लेकिन अब इसमें से क्या हो गया, डिविएशन एग्जिस्ट कर गया, व्हेन द डिविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट और एन एटम, एन एटम यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए आया है, इन ए क्रिस्टलाइन सबस्टांस, इन ए क्रिस्टलाइन सबस्टांस द डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अब सेकंड आज ये कौन सा है, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट इसके पहले भी हम यहां समझा चुके हैं लाइन डिफेक्ट, एक तरीके से और भी लाइन डिफेक्ट अपने नोट्स में समझ लें आप क्या है। देखिए आइडियल अरेंजमेंट ये कब होता, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे ये फर्स्ट रो में अरेंज है, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, लेकिन फोर्थ रो में, अब देखिए फोर्थ रो में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है इसको यहां होना चाहिए था, यहां का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मिस्ट कर गया है, ये होना चाहिए था इस जगह पे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा रो यहां सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिविएट कर गए हैं, डिपार्ट कर गए हैं, यहां से भी डिपार्ट, यहां से भी डिपार्ट हो गया, पूरा का पूरा एक कंप्लीट लाइन ही क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो ये होगा आपका कौन सा, लाइन डिफेक्ट। व्हेन द डिविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन द एंटायर रो, एग्जिस्ट इन द एंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट द डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट के बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बेसिकली हमें पढ़ना है कौन सा, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, सबसे पहले तो हम लोगों ने डिफेक्ट पढ़ा, डिफेक्ट दो तरीके का, पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा कौन सा, लाइन डिफेक्ट।
टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट तीन तरीके का होता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा होता है कौन सा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक लास्ट होता है कौन सा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। हम सबसे पहले समझेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इसको हम समझने पहले देखिए। पॉइंट डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और यहां है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई क्रिस्टल है Na का, NaCl का बना हुआ है, इसमें केटायन है Na प्लस और एनायन है कौन सा, Cl माइनस आयन। तो यहां केटायन का, केटायन एंड एनायन का जो रेशियो है वो 1:1 के रेशियो में है, यानी फिक्स्ड है। फिक्स्ड कहां से भी है, यहां देखिए इस जगह पे मिस्ट हुआ है, इस जगह से भी मिस्ट हुआ है, पार्टिकल्स डिपार्ट किया है, दो पॉइंट से डिपार्ट हुआ है, तभी तो ये टाइप है किस चीज का, पॉइंट डिफेक्ट का। इस जगह से निकलने वाला है Na प्लस आयन, ध्यान से आप देखिए क्योंकि यहाँ Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस Cl माइनस अल्टरनेट है, यहाँ Na प्लस है तो यहाँ Cl माइनस है, यहाँ Cl माइनस है तो यहाँ Na प्लस होना चाहिए था, तो एक केटायन यहां से मिस्ट कर गया है। यहां देखिए यहां Na प्लस है तो इसके बगल में होना चाहिए था Cl माइनस आयन्स, यानी केटायन, एक केटायन और एक एनायन यहां से इस क्रिस्टल से निकल गया है, तो बाकी जितने भी केटायन और एनायन हैं वो फिक्स्ड इसमें रही गए, यानी उसका रेशियो आया कितना, 1:1। तो ऐसे सिचुएशन में जब केटायन और एनायन का रेशियो में कोई चेंजिंग ना हो, डिफेक्ट होने के बावजूद, यानी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तब वो कहलाता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके जस्ट अपोजिट आप यहां देखिए कि NaCl का ये भी एक क्रिस्टल है, इसमें Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, Na प्लस Cl माइनस, तो यहां Na प्लस है तो यहां होना चाहिए था Cl माइनस, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं Cl माइनस, लेकिन Cl माइनस ना होकर के इसके जगह को ऑक्युपाई किया है कौन, इसके साइड को ऑक्युपाई कर लिया है इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके रेशियो में चेंजिंग आ गया है, Na प्लस तो है जितना होना चाहिए था, लेकिन Cl माइनस क्या हो गया, इसकी संख्या घट गई है, इसके वजह से इसका, इसके रेशियो में बदलाव आ जाएगा, वो 1:1 के रेशियो में नहीं होगा, यानी रेशियो फिक्स्ड नहीं होगा, और केवल इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि Cl माइनस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, इस चीज को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये भी सॉलिड का मेंटेन्ड होगा और इसका भी मेंटेन हो जाएगा, लेकिन रेशियो जो कैटायन और एनायन का है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में फिक्स नहीं होगा, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये जो रेशियो है कैटायन और एनायन का वो कम्प्लीटली फिक्स्ड होता है। यही बेसिक डिफरेंस है आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो इस पॉइंट डिफेक्ट का तीन टाइप था, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसका दूसरा नाम इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में हम आपको बहुत चर्चा करेंगे, कब आगे जब हम इसको फिनिश करेंगे तो हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का हम अब डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। देखिए इस जगह पर डायग्राम है, नीचे ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का डायग्राम है और ये डिफिनेशन है, देख लीजिए कि क्या कहता है डिफिनेशन और डायग्राम। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का दूसरा नाम इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। डिफिनेशन देखिए, इफ इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट, किस तरीके का, द रेशियो बिटवीन केटायन एंड एनायन रिमेंस द सेम, द रेशियो बिटवीन द केटायन एंड एनायन रिमेंस द सेम, यानी फिक्स्ड 1:1 एज रिप्रेजेंटेड बाय द मोलिकुलर फार्मूला, जैसा कि मोलिकुलर फार्मूला में दिखाया गया, जैसे NaCl एक सोडियम के लिए एक ही क्लोरीन चाहिए, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें फिक्स हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा क्या, फिक्स, रेशियो बिटवीन द केटायन एंड एनायन रिमेंस द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द मोलिकुलर फार्मूला, दैट इज
एक मिनट डिस्कनेक्ट कर दें, फोन आ रहा है। हाँ, एज द सेम रिप्रेजेंटेड बाय द मोलिकुलर फार्मूला दैट इज द स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज नॉट डिस्टर्ब। स्टोकियोमेट्री इसका कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि इसका मोलिकुलर फार्मूला रिमेन सेम रह गया, इसका कैटायन और एनायन का रेशियो। द डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। आगे देखिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है दो तरीके का। पेज नंबर 21, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके का। देखिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का हम टाइप यहां समझाने का कोशिश किए हैं। यह होता है टू टाइप्स, कौन कौन? एक हो गया आपके पास वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में देखिए क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड है, यह भी अरेंज्ड होना चाहिए लेकिन यहां पे वैकेंट हो गया, वैकेंट से ही वैकेंसी बना है, यहां के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ही नहीं। और आपको पता है कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक टाइप है किस चीज का, पॉइंट डिफेक्ट का। तो एक खास पॉइंट पे ही एक डिफेक्ट आया है, खास पॉइंट पे ही, यहां भी होना चाहिए था, यहां भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है, दो जगह से, इस वजह से यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हटाया गया है ताकि रेशियो जो है केटायन का और एनायन का वो क्या होना चाहिए, वो एकदम से क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए रेशियो, ये रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए केटायन का और एनायन का। तो ये है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में देखिए क्या हुआ कि एक टर्म है डेंसिटी, मास वाई होता है वॉल्यूम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना होने की वजह से इसमें इसके मास में कमी आ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास। तो वैकेंसी डिफेक्ट आप यहां समझ लीजिए टू टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट और कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट का ये छोटा डायग्राम है और वैकेंसी डिफेक्ट का ये बड़ा डायग्राम है। आप इस डायग्राम को भी उस जगह पे रिप्लेस कर ले सकते हैं। यहां भी दिखाएं कि दो जगह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो चुका है, मिस हो चुका है, इसलिए ये है क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन इन ए क्रिस्टलाइन सबस्टांस सम ऑफ द लैटिसाइट्स आर वैकेंट, सम ऑफ द लैटिसाइट्स आर वैकेंट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो ऐसे क्रिस्टल को कहेंगे कि इसके पास क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। ये क्यों होगा, अराइजेस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट के लेने की वजह से इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं हो पाया, तो हीट की वजह से हुआ। इस वजह से इस डिफेक्ट को और भी हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। और आपको पता है कि यहां मास डिक्रीज कर गया, मास के डिक्रीज करने के कारण इसका डेंसिटी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग डेंसिटी। पहले भी बता चुके हैं कि एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट होने के लिए क्रिस्टलाइन सबस्टांस में क्या होना चाहिए, जीरो केल्विन पे होना चाहिए। परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सबस्टांस ओनली एट जीरो केल्विन, जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। अब आ जाइए सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेकंड डिफेक्ट ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें देखिए कि ये परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट तो है, यहां से कुछ दिक्कत है नहीं हमारे पास, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच में जो वैकेंट स्पेस है इस जगह पे कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाए, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इस जगह पे आ जाए कहीं दूर, दो लेने का मतलब है कि रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो इंटरस्टिशियल का मतलब ही होता है इन बिटवीन एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आकर के यहां क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, तो यह कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। क्योंकि पहली ये दोनों जब नहीं था तब तो ये परफेक्ट अरेंजमेंट था ये क्रिस्टलाइन सबस्टांस का, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा आ गया तो डिफेक्ट है। किसके पास दो हाथ है, तीन हाथ हो जाए तो वो उसका डिफेक्ट है। ठीक उसी तरीके से यहां इसमें ये क्या है, डिफेक्ट है। यहां डेंसिटी पे देखते हैं इफेक्ट क्या होगा कि मास बाई वॉल्यूम होता है, ये दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आ जाने की वजह से इसका मास इंक्रीज कर जाएगा, तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट व्हेन सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डायग्राम में ध्यान से देखिए आ गया है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स दैट क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ऐसे क्रिस्टल को कहेंगे किसके पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया, रिजल्ट इसका क्या होगा, इंक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि इन दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आने की वजह से इसका मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट
जो होता है सोन बाई होता है नन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के थ्रू जो होता है वो होता है स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये हम आगे बात करेंगे, तब तक के आप यहां तक देख लीजिए।